सी एक्ट वाज पास्ड इन 1940, 1945, 1948 और 1930। फार्मेसी एक्ट किस वर्ष पास हुआ? सिंपल क्वेश्चन। 1948। ए पर्सन इज कॉलिंग रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट इफ ही इज। एक पर्सन को रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट तभी कह सकते हैं जब वो क्या हो? होल्डिंग एटलीस्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी, बस उसके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी हो कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम। हैविंग सफिशियंट एक्सपीरियंस इन फार्मेसी प्रोफेशन, डिप्लोमा वगैरह कुछ ना हो, बस खाली एक्सपीरियंस हो, कई साल से किसी स्टोर पर काम कर रहा हूँ मतलब। हैविंग हिज नेम एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ फार्मेसिस्ट ऑफ स्टेट, उसका नाम उस रजिस्टर्ड में, उस रजिस्टर के अंदर दर्ज हो जिसके अंदर पूरे स्टेट के सभी फार्मेसिस्ट का हो। जैसे कोई दिल्ली में है तो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड हो, बंगाल में है तो बंगाल फार्मेसी काउंसिल में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड जहाँ भी है वहाँ के स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्टर में उसका नाम हो, तभी हम उसे फार्मेसिस्ट कहेंगे, नहीं तो हर दूसरा इंसान फार्मेसिस्ट है। द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, एक्ट कब हुआ आया? 1948। तो 1948 में एक्ट आया और उसके बाद ही इसका गठन हो गया 1949 में। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी, जो फार्मेसी काउंसिल इंडिया है वो हर कितने वर्ष बाद कॉन्स्टिट्यूट होती है? इंडिया में लगभग चीज ही 5 साल बाद होती है, चाहे कुछ ही हो, नहीं तो सभी, नहीं तो सब। विच वन ऑफ दीज इज एक्स ऑफिशियो मेंबर इन PCI, इनमें से कौन सा एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का? PCI मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये होता है हमारा DGHS, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। द एजुकेशन रेगुलेशन वॉज लेड डाउन बाय, जो एजुकेशन रेगुलेशन है, जो फार्मेसी के अंदर जो एजुकेशन रेगुलेशन होता है, मतलब एजुकेशन कैसे देनी है, कब देनी है, किस तरह का देना है, वो किसके द्वारा लेट डाउन होती है? सिंपल सी बात है, फार्मेसी की वो है तो फार्मेसी काउंसिल के द्वारा ही होगी। द प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, वो क्या होता है? इलेक्टेड होता है इसके मेंबर के द्वारा, या नॉमिनेटेड होता है बाय हेल्थ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या इलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट के द्वारा इलेक्टेड होता है, या कुछ नहीं। तो जो इसका प्रेसिडेंट होता है ये इलेक्टेड होता है किसके द्वारा? इसके जो फार्मेसी काउंसिल में जो मेंबर है उनके द्वारा। नेक्स्ट, सेंट्रल रजिस्टर्ड फॉर फार्मेसिस्ट इज कंपाइल्ड बाय, जो सेंट्रल रजिस्टर है फार्मेसिस्ट का, कंपाइल्ड का मतलब उसका रख रखाव एक तरह से, वो किसके द्वारा होता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। जो सेंट्रल रजिस्टर्ड फॉर फार्मेसी काउंसिल, सॉरी, सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मेसिस्ट इज कंपाइल्ड बाय, जो सेंट्रल रजिस्टर है फार्मेसिस्ट का किसके द्वारा कंपाइल्ड होता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्ट्री अलग होती है पता है, UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये सभी जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ उनके ऊपर निगरानी के लिए बना रखा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जैसे, उन सभी के लिए। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन, 2022 के अंदर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो कुलपति या इनके जो एक्स ऑफिशियो मेंबर, इसका जो हेड है वो है जग्गी, और ये कहाँ से है? JNU के थे जग्गी पहले, ये जग्गी मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ, इनका नाम से जी से ही जगेंद्र पगेंद्र कुछ है, फिलहाल मैंने नाम याद करने के लिए जग्गी नाम से याद रख रखा था, जग्गू भाई ही इस तरह कुछ नाम था, तो ये जी से इनका नाम है, मैं भूल गया बोलते बोलते। और ये कहाँ थे? JNU के अंदर थे ये कुलपति, और इनके हटने के बाद JNU में कौन आ गई? शांति श्री धूलीपुरी पंडित। जो जो फैक्ट बता रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, कोई भी डाउट की बात नहीं है इसमें,
एकदम एक्यूरेट और करेक्ट है। 2022 की बात चल रही है अभी। द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज, एक फार्मासिस्ट है उसे अपने आप को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाने के लिए, मतलब रजिस्टर्ड होने के लिए, अपने आप को रियल फार्मासिस्ट कहलाने के लिए या अपना नाम उस रजिस्टर में लिखवाने के लिए स्टेट फार्मेसी में मिनिमम कितने घंटे की ट्रेनिंग करनी होती है? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सबने ही करी होगी हॉस्पिटल में, 500 घंटे। द इंस्टीट्यूशन रनिंग फार्मेसी कोर्स इज अप्रूव्ड बाय, जो इंस्टीट्यूशन है जो फार्मेसी कोर्स चला रहे हैं वो किसके द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए? स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। सीधी सी बात है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ही होंगे। मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर रजिस्टर्ड एज फार्मेसिस्ट, फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट बनने के लिए मिनिमम कितनी एज चाहिए? 18 साल। जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर, जो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल है कितने साल के लिए बनाई जाती है? जैसे PCI 5 साल में वो कॉन्स्टिट्यूट होती है, ये भीष्म पितामह कभी तक भी रह सकते हैं जब तक इनकी मन करे। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसे क्या कहा जाता है? हमारे देश के अंदर सबसे मेन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फार्मेसी फील्ड में, ये सेंट्रल गवर्न करती है इसे, मतलब इसके ऊपर जो रूल रेगुलेशन है सब सेंट्रल के होते हैं, तो इसे सेंट्रल काउंसिल ऑफ फार्मेसी भी बोल देते हैं। इसी के अंडर में आती है जॉइंट फार्मेसी काउंसिल और उनसे नीचे स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ये वीडियो में एडिट नहीं होती बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे को आती नहीं करनी। 6 मेंबर फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशनल नॉमिनेटेड टू PCI बाय, जो 6 मेंबर हैं फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन से नॉमिनेटेड होते हैं PCI में, किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा, या UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जग्गी भाई वाला। 6 मेंबर है टीचिंग प्रोफेशन के, कौन करता है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट करती है। ये जो फार्मेसी काउंसिल में जो भी टीचिंग है, मतलब कॉलेज जो चल रहे हैं फार्मेसी के, उसके अंदर क्या क्या नवाचार आना चाहिए, कौन कौन सा एमेंडमेंट हम कर सकते हैं इनके लिए। ये जूरिस्प्रूडेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट फार्मेसिस्ट के लिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, जो अधिकतर हमें चाहे तो इजीली हम याद कर सकते थे, लेकिन फैक्चुअल बेस होने के कारण हमें याद नहीं रहते, तो ये हमें बस रिविज़न करने दवा के। द सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आल्सो एक्ट एज, जो सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी काउंसिल इंडिया का, वो कैसे एक्ट करता है? रजिस्ट्रार की तरह भी, रजिस्ट्रार भी ये होता है, और खजांची मतलब ट्रेजरर भी कौन होता है? ये ही होता है। इसका मतलब बोथ ए एंड बी। द फार्मेसी एक्ट 1976 आल्सो प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन फॉर, जो फार्मेसी एक्ट 1976 है आल्सो प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन फॉर, ये किसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाता है? पर्सन होल्डिंग, थोड़ा बड़ा हो गया ये, पर्सन होल्डिंग एटलीस्ट डिप्लोमा डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पर्सन अप्रूव्ड एज क्वालिफाइड पर्सन बिफोर 31 दिसंबर 1969, या डिस्प्लेस्ड पर्सन, या रिपार्ट्रिएट्स। रिपार्ट्रिएट्स मतलब होता है वापस देना, जैसे गिविंग बैक जो होता है ये भी प्रोवाइड करता है फार्मेसी एक्ट 1976, ये रजिस्ट्रेशन करता है और रिपार्ट्रीज भी करता है। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन, जो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट है कब पास हुआ? 1914। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फार्मेसी एक्ट कब आया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया, फार्मेसी कॉन्स्टिट्यूट कब हुई, इसका एक्ट 1948 में आया, ये बन गए थे 1949 में, और ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट पहले आ चुका 1950 में। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कितने साल में गठन होता है? 5 साल में होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फैक्चुअल है। ऑन कैंसिलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस द लोन लाइसेंस इज
अगर किसी का मैन्युफैक्चर लाइसेंस कैंसिल हो जाए तो उसका लोन लाइसेंस भी क्या होगा, कैंसिल ही होएगा और क्या होगा? द पर्सन इंचार्ज ऑफ स्टेट ड्रग लेबोरेटरी इज, जो पर्सन है इंचार्ज होता है किसका, स्टेट ड्रग लेबोरेटरी का, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम इंचार्ज है द सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर, क्योंकि ड्रग लेबोरेटरी का है, ड्रग के अंदर ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं और ड्रग इंस्पेक्टर मतलब सीनियर होगा क्योंकि जब इंचार्ज है। ड्रग कंट्रोलर ये अलग पोस्ट होती है बिल्कुल ही, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर ये तो DGHSS के अंदर ही पोस्ट होती है। द एडवाइजरी कमेटी ऑफ DTAB एंड वेरियस गवर्नमेंट इज, जो एडवाइजरी कमेटी है DTAB की और वेरियस गवर्नमेंट की वो क्या होती है, DCC होती है, DEC होती है, DCI होती है या PCI होती है, ये हमारी होती है DCC, ये ऐसी होता है ड्रग कंट्रोल कंट्रोल कोऑर्डिनेटर, इस तरह का नाम है। फिलहाल मैं इसे कंफर्म नहीं करूँगा इसकी फुल फॉर्म, क्योंकि मुझे भी अच्छे से नहीं पता।